दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस घंटी को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गेमिंग को जानने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप दबाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका होस्ट आदित्य। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल NBM टेक में। तो आज हम सीखेंगे इस तरह की फूड एडिटिंग जो कि पिक्सआर्ट और लाइटरूम में करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपना मॉडल का फ़ोटो ये सही पिक्सआर्ट में लोड करना है। फिर आपको कटआउट में जाके सारा जो बैकग्राउंड है जो इरेज करना है, मतलब मॉडल ही रहना चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए ऐसा। मतलब मैं किधर करता करके आता हूँ, सब कुछ बैकग्राउंड इरेज करना है। फिर मैंने तो ऐसे बैकग्राउंड इरेज कर लिया है अपने मॉडल का, थोड़ा थोड़ा रह गया लेकिन कोई फायदा नहीं। बैकग्राउंड के अंदर जाने के बाद सब रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि बैकग्राउंड है ऐसा मैजिक है, वो मैजिक फीचर है। तो मजाक कर रहा था यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बैक आना है तो सिंपली आपको ये वाला बैकग्राउंड लेना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, फुल HD है और मैंने क्रिएट किया है। तो अपने मॉडल को लोड करना है इस बैकग्राउंड पे। तो मेरा हमारा मॉडल तो जल्दी से लोड कर लेता हूँ। फिर आप इधर राइट करना है, फिर आपको ऐड फोटो में जाना है। फिर आपको हमारे पट्टे और इस पॉकेट का PNG लोड करना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इधर अपने हिसाब से सेट करना है। फिर इरेज टूल में जाना है। फिर ओपेसिटी को पहले कम करना है। फिर और सेट है क्या देखना है। फिर इरेजर टूल में जाके जो भी हाथ है इधर उसे ये करना है। इधर ओके करके ऑपेसिटी बढ़ानी है। फिर इधर लुक आ गया हमारा। फिर ऐड फोटो में जाएंगे। फिर ये पट्टे शोल्जर का पट्टा है ना, उसका वो सिर लगाना है। इसका भी PNG है, कोई बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, जुगाड़ आपको। फिर यहाँ से राइट करना है। फिर मैं लेफ्ट शोल्डर में भी ये ऐड करना है। इरेजर टूल में जाके इधर कैंसिल, सॉरी इधर से डन करना है। फिर आ गया हमारा पट्टा सब कुछ। अब हमारा टाई बाकी है। टाई भाई आ जा, इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर ऐसे लगाना है, लग गया। इरेजर टूल में जाके ये सब इरेज कर लेता हूँ जो भी बीच में आ रहा है। फिर यहाँ से राइट सब कुछ आ चुका है। हेयर PNG लगाने बाकी है, तो हेयर PNG भी इधर है से ऐड करना है। ये मैंने UR स्मार्ट मेकर से, उनके यूट्यूब चैनल है, उनके एक वीडियो से लिया था मैंने। फिर इधर अपने हिसाब से सेट करवाना। फिर इरेजर टूल में जाके जो भी बीच में आएगा उसे कट करना है। फिर ऐसे राइट, फिर हो गया, सब कुछ हो गया। और अगर आपके पास गन नहीं है तब गन पकड़ा हुआ मॉडल है
तो अगर नहीं है तो सिंपली आपको ये गन का PNG भी मिल जाएगा। इसे मैंने क्रॉप किया खुद से, और जो भी मैंने PNG किया है खुद से किया है, फिर आप वो ऐड कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है ये गन का PNG आप यूज़ करोगे। तो इधर सिंपली आपको ड्रॉ टूल पे जाना है, सॉरी एरो मार्क पे क्लिक करना है, इधर से सेव कर लेना है। फिर हमने ओपन कर लिया हमारा लाइट रूम, बाबा को बाबा बोलिए। तो आप हम इसमें कलर इफेक्ट थोड़ा सब कुछ करेंगे, फिर इसमें क्लिक से इधर ब्राइटनेस पे क्लिक करके एक्सपोजर को थोड़ा नहीं थोड़ा बड़ा करना है, 1.10 करना है, नोट डाउन। एनीवे तो सॉरी दोस्तों बोलिए, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बड़ा 15 रखना है, हाइलाइट्स को भी थोड़ा बढ़ाना है, फिर शेडोज की भी थोड़ा बढ़ना है, फिर वाइटनेस को भी थोड़ा बढ़ा देना है, फिर ब्लॉक्स को 9, ब्लॉक्स को 9, वाइटनेस को 43, शेडोज 36, फिर नेक्स्ट टेम्परेचर को सिम थोड़ा बढ़ाना है, फिर सैचुरेशन को भी थोड़ा बढ़ाना है, फिर इसे रखे टेक्सचर को थोड़ा बढ़ाना है, क्लियरिटी की थोड़ा।